हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अभी बज रहे हैं शाम के 8 और मैं आ गई किचन में। और आज का ब्लॉग मैं अभी इवनिंग से ही स्टार्ट कर रही, तो यहाँ क्या रो रहे हो? तुम ही ना फेंके हो इसको, इसमें था उसमें। मामा लाइट में खाती है फास्टिंग में। कल ना, कल शाम मैंने काम है, अभी थोड़ा काम है। वो भी हो जाएगा। अब हम ये सब बहुत हो रहा है। मैंने पता सब कल कितना और यहाँ काम करते करते मैं बर्तन भी धो रही हूँ। और देखो कि यहाँ सासू माँ भी, जब सब्जी में थोड़ा सा मिलाना था तो सासू माँ वहाँ लगा दे रही, तो हम लोग यहाँ आते हैं तो मिल के ही बनाते हैं, कभी मैं कभी सासू माँ। मतलब तो ये नहीं रहता कि बहू हूँ तो मुझे ही सारा कुछ बनाना, उन्हें नहीं, वो भी लगी रहती हमेशा, तो अच्छा लगता है। बातचीत करते रहते किचन में, बात करते करते ही सारा काम काज हो जाता। अच्छा किचन में इतना काम तो हो गया। चलिए, हमारे सब्जियां बन चुकी है और जो थोड़े बहुत बर्तन थे उसे भी मैंने क्लीन कर लिया, तो थोड़ा बहुत काम बाकी है। और रोटियां जो थोड़ी देर बाद में बनाऊंगी, क्योंकि अभी पापा जी लोग टीवी देख रहे हैं, बापू भी अभी टीवी देख रहा, बोला थोड़ा देर बाद खाएंगे, तो मम्मी बोली कि थोड़ा देर जाओ रेस्ट कर लो, तुम्हें बहुत थक गई, थोड़ी देर बाद आके रोटी बना लेना, गर्म गर्म रोटी बनाना और मैं सबको सर्व कर दूंगी, तो जल्दी हो जाएगा सारा काम। तो मैं यहाँ थोड़ा देर इधर थोड़ा बहुत जो काम है करके फिर मैं जाती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। रेस्ट करने के बाद थोड़ी देर बाद मैं आती हूँ किचन में।
थोड़ा बहुत लेट था, यानी मम्मी बोली कि थोड़ा देर रुक जाओ उसके बाद बनाना, तो मैं चली गई थी थोड़ा सा जाके बैठ गई थोड़ा मोबाइल वाल पे, मतलब जो चैटिंग वटिंग करना था वो सब करके फिर मैं आ गई थोड़ी देर बाद किचन में। तो किचन में मैंने यहाँ पर दूध उबलने के लिए डाल दिया और मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी रोटी बना लेती हूँ क्योंकि मैं सबको रोटी देना। तब तक मैं सोच रही हूँ पहले सब्जी निकालूँ, तो सब्जी मैंने एक बाउल में निकाल के बाहर डाइनिंग टेबल पर डाल दिया और सब्जी वाली जो बर्तन थी कढ़ाई प्लेट सब उस सबको मैंने जल्दी जल्दी से वॉश कर लिया ताकि खाना मतलब खाना खाने के बाद थोड़ा कम बर्तन रहे। तो मम्मी जी बीच बीच में आके देख रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, कि अब वो बार बार बोले थे कि छोड़ दो बर्तन मैं धो लूँगी, तुम इधर खाना रोटी बना लो और गर्म रोटी दे दो सबको। मैं बोली नहीं पहले मैं बर्तन हटा लूँ उसके बाद इशारा कुछ करके, मेरा वही है कि बर्तन एक बर्तन भी किचन में रहता ना मेरे से बिल्कुल भी नहीं। और मैं यहाँ ज़्यादा नहीं बोल रही थी क्योंकि टीवी का वॉल्यूम चल रहा था, टीवी का वॉल्यूम ज़्यादा तेज चल रहा था, पापा जी लोग टीवी देख रहे थे, तो इसलिए मैंने वहाँ पर वॉल्यूम को म्यूट कर और जल्दी से बर्तन क्लीन करने के बाद मैं जल्दी रोटी बना लेती हूँ। गर्म गर्म रोटी और रोटी सबको दे रही हूँ, उसका जाकर थोड़ा देख लेती हूँ कि किसी को और कुछ चाहिए या नहीं। मेरा फास्टिंग ओ मंगल कर रही थी, मैं है जो खा लेती है। हम लोग तो सब खाते हैं। कौन खाता है? वहाँ अकेले खाए हमको क्या नहीं दादू बैठ के अभी खाओ बिस्कुट खाए होते एक बार, लेकिन हमको बहुत खुशी हुई जो बाबू पूछे बाबू अच्छा लगा है बहुत अच्छा घेरा हुआ है, गाड़ी है वहीं पर है, गाड़ी इस मेन रोड पर है, चलिए ना पहले हम लोग खा आते हैं तब चलेंगे। और फ्रेंड रात के भी बज रहे हैं 10:30, मैं आ गई अपने बेडरूम में और यहाँ पर मैं अपने बेड को क्लीन कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जाल भी लगाना होता क्योंकि मॉस्किटो बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती, तो यहाँ पे मच्छरदानी भी लगाना है, तो जल्दी जल्दी से मैं बेड को ठीक कर लेती फिर जाल लगाऊंगी और फिर मैं ड्रेस चेंज करके क्योंकि मैंने साड़ी वेयर किया था, तो ड्रेस चेंज करने के बाद मैं सो जाऊंगी। गुड नाइट फ्रेंड, मिलती हूँ मैं अगली मॉर्निंग में आप लोगों से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं यहाँ आ गई किचन में और देखो किचन में यहाँ मम्मी जी तब तक बड़ी बना रही क्योंकि मैंने 2 दिन पहले बोला था कि मुझे बड़ी की सब्जी खाए हुए बहुत दिन हो गया, मैं बहुत दिन से नहीं खाया, तो मम्मी जी बोल रही थी ठीक है मैं बना दूंगी। तो जब तक मैं सोई हुई थी तब तक देखो इतना ज़्यादा तैयारी कर ली, वो बड़ी को यहाँ निकाल रही थी, तो मैं सोची जब तक बड़ी निकाल रहे हैं तो बड़ी निकालने के बाद जब तब तक मैं जल्दी से फ्रेश होकर आ गई। उसके बाद मैं यहाँ पर इसका ग्रेवी रेडी कर रही हूँ क्योंकि मेरे सोने से पहले जो भी करना है वो करते, मैं सो के आती हूँ उठती हूँ ना जब मैं किचन में आती हूँ तो मैं सारा काम खुद ही करती हूँ, उसके बाद मैं बोलती हूँ अब मत करो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ देखो यहाँ इतना सारा कुछ बन चुका है और यहाँ पे जब बड़ी बन जाएगी यानी जब ये मसाला जब ग्रेवी जो पूरी तरह से भून जाएगा तो उसमें पानी डाल के पानी जब उबल जाएगी तो उसमें ये बड़ी वाली डाल देनी है। और यहाँ तब तक मैं जल्दी से आटा मिला लेती हूँ और आटा मिलाने के बाद मैं गर्म गर्म रोटियाँ बना लूँगी सबके लिए, तो फिर गर्म गर्म सबको ही खा लेंगे। और यहाँ देख लो ना यहाँ के किचन थोड़ा सा बड़ा है ना तो अच्छा से काम हो जाता है, लेकिन मेरे यहाँ के किचन जो है ना वहाँ पे वीडियो शूट करने में ज़्यादा नहीं हो पाता, यहाँ तो मैं स्टैंड लाई भी नहीं थी इसलिए हमेशा बाबू का हेल्प लेना पड़ता है यहाँ। और बाबू से जब भी हेल्प लो ना वीडियो में वो इतना ज़्यादा बोलते रहता ना कि मैं सारा वॉइस को म्यूट करके रखी, आप लोग सुनोगे ना तो आप लोग भी सोचोगे कि क्या है मतलब कितना ये बोलता, बहुत ज़्यादा ही बोलते रहता वीडियो उसको शूट करने बोलो तो लगता है मेरे पे कितना बड़ा परेशान कर रहा, तो स्टैंड में नहीं लाई थी इसलिए कर रहा था। तो यहाँ पर देखो सब्जी यहाँ इसकी रश उबल रही है, तब तक जो भी बर्तन थोड़े बहुत मैं जल्दी बर्तन क्लीन कर लेती हूँ और फिर मैं गर्मा गर्म रोटियाँ बनाऊँगी।